तो भाई साहब इस कहानी में जो कोई भी सॉन्ड करता है यहाँ का शैतान उसे मार डालता है। यहाँ का शैतान इन सब को कौन सा मकसद से मारता है इसे जानने के लिए चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इस कहानी की स्टार्टिंग में सल्लू नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त रमा के साथ इंजॉय कर रही होती है। तभी इसका दोस्त रमा आग जलाता है और इस आग को सल्लू तुरंत बुझा देती है और सल्लू रमा को यहाँ का सारा सच्चाई को शेयर कर देती है। और रमा से सल्लू ये भी बोलती है कि इस जंगल में जो कोई भी सॉन्ड करता है उसे यहाँ का हैवान किडनैप करके मार डालता है। और इतना बताते ही अपना दोस्त को एक क्लिप पहनाती है। तभी यहाँ पे वही शैतान लोग आ जाते हैं और रमा सल्लू को ढूंढने लगते हैं और इन दोनों यहाँ से भागने लगते हैं और वह इन दोनों भागते भागते एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। तभी रमा सल्लू से बोलता है कि यह कौन सा चीज है जीव जैसा जिसे मैं देखना चाहता हूँ। इतना बोलते ही रमा उसे देखने के लिए चला जाता है और यहाँ पे अफसोस वाली बात है कि रमा वहाँ से गायब होता है। सल्लू यहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाती है जिसके कारण यहाँ से इसे भागना पड़ता है। तभी अचानक से इसे कई लोग पकड़ लेते हैं और अपने साथ लेके जाने लगते हैं। इन सब मिलके इस लड़की को किडनैप करके कहाँ लेके जा रहे हैं ये तो आगे ही पता चलेगा। तो फाइनली इन सब हैवान के काफी क्लोज पहुंच जाते हैं और इस लड़की को खाना के रूप में उस हैवान को सौंप देंगे। तभी हम देखते हैं कि सल्लू को पैर को किसी ने काट रहा हुआ होता है ब्लड निकालने के लिए। तभी हम कुछ ही देरी में देखते हैं कि यहाँ पे शैतान आ जाता है लेकिन इन सब की गलत फहमी के कारण इन्हीं में से एक को हैवान ने शिकार कर लेता है। तभी सल्लू अपना हाथ किसी तरह से छुड़ाती है और यहाँ से आजाद हो जाती है और भागने लगती है और वह भागते भागते एक झरने के पास पहुँच जाती है और अपना पैर को अच्छी तरह से बैंडेज कर रही थी। तभी यहाँ पे शैतान आ जाता है पीछा करते हुए, फिर यहाँ से भागती है और एक गुफा में छिप जाती है। यहाँ पे भी शैतान आ जाता है लेकिन सल्लू यहाँ पे सॉन्ड नहीं करती है जिसके कारण यहाँ से शैतान वापस चला जाता है और फिर यहाँ से निकल जाती है। लेकिन कुछ ही दूरी जाने पे एक गांव दिखाई देता है और इस गांव के अंदर जाने की फैसला करती है क्योंकि इसका एक दोस्त गायब हो चुका था। और फिर फाइनली इस विलेज के अंदर घुस जाती है और वह कुछ दूरी तक जाती है। फिर इसे वही क्लिप दिखाई देता है जो कि अपना दोस्त को गिफ्ट में दी थी और वह समझ जाती है कि इन सब गांव वाले मिलकर मेरे दोस्त को किडनैप किए थे और उसी हैवान को खाना बना के दे दिए होंगे। और अब सल्लू पूरे गांव वाले से बदला लेना चाहती है इसीलिए इस गांव को अच्छी तरह से चेक आउट करने लगती है। तभी सल्लू इस गांव में कुछ दूरी और चलती है तो एक चर्च दिखाई देती है जिस चर्च में एक सिस्टर होती है और यह सिस्टर पूरी तरह से प्रेग्नेंट होती है। तभी हम देखते हैं कि इस सिस्टर के पास एक लड़की आती है और कुछ बोलती है। तभी सिस्टर इसे एक थप्पड़ मार देती है और यह सब सल्लू देख रही थी छिप कर। तभी सल्लू को लगता है कि हमें कोई इस गांव वाले देख रहे हैं यहाँ से हमें भागना चाहिए और यहाँ से सल्लू भागने लगती है और इसे वही लड़की देख रही थी जिसे सिस्टर ने थप्पड़ मारी हुई थी। तभी वह लड़की फौरन जाती है और इस गांव वाले घंटे को भी बजा देती है जिसके कारण गांव वाले भी जान जाते हैं कि यहाँ पे कोई लड़की आई हुई है। लेकिन भाई साहब खुदा न खास्ते वही किडनैपर लोग होते हैं जो कि यही गांव के होते हैं। उन्हीं में से एक किडनैपर होते हैं जो सल्लू को बहुत ज्यादा पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन भाई साहब सल्लू थोड़ा तो हिम्मत वाली है इसलिए अपना जान बचाने के लिए यहाँ से किसी तरह से निकल जाती है और भागने लगती है तेजी से। सब सल्लू का किस्मत ही खराब है तभी तो शैतान भी इसका पीछा करने लगता है। एक शैतान नहीं बल्कि कई सारे शैतान इस छोटी सी बच्ची सल्लू को पीछा करने लगते हैं मारने के लिए। तभी अचानक से इसके सामने एक गाड़ी आता है जिसमें एक आदमी बैठा हुआ होता है और यह आदमी सल्लू से कुछ पूछना ही चाह रहा था लेकिन सल्लू जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ जाती है और बोलती है कि चुप रहो यहाँ से निकलो जल्दी और यहाँ से दोनों निकलने लगते हैं। तभी कुछ ही देर में यह आदमी सल्लू से पूछता है कि इस जंगल में तुम अकेले क्या कर रही थी और इतनी घबराई हुई क्यों हो। लेकिन सल्लू इस आदमी की बातों को इग्नोर कर रही थी और बोल रही थी कि आप चुप रहिए अभी। तभी हम देखते हैं कि गाड़ी के सामने कोई अचानक से आ जाता है और इस आदमी को हेडशॉट गोली मार देता है जिसके कारण यह गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। तभी सल्लू इस गाड़ी से किसी तरह से बच के बाहर निकलती है लेकिन भाई साहब गाड़ी के सामने जो आदमी मिला था वो सल्लू को पूरी तरह से पीटने लगता है यानी कि मारने लगता है। तभी सल्लू इस आदमी को एक पंच में अपनी ठिकाने लगा देती है और इसी आदमी का शॉटगन लेती है और यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है। तभी अचानक से इसका पैर आगे की तरफ बढ़ता है और
वह एक फंदे में पूरी तरह से फंस जाती है। यहाँ पे मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि यह सब किडनैपर होते हैं जो कि वही गांव के होते हैं, जो कि सभी मिलके अनजान आदमी को शिकार करते हैं और उस शिकार को हैवान को खिलाते हैं। सल्लू के फ्रेंड के साथ भी यही सब हुआ था, यही सब सल्लू के साथ भी होने वाला है। लेकिन सल्लू का किस्मत यहाँ भी अच्छा होता है, यहाँ का हैवान उसी को खाता है जिसका शरीर से ब्लड बाहर निकलता है, और इन्हीं में से एक किडनैपर का शरीर से बाहर ब्लड निकल रहा हुआ होता है। कुछ ही देर में यहाँ पे शैतान आ जाता है और इस किडनैपर को बुरी तरह से खाने लगता है। तभी सल्लू को देखते हैं जो कि पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, और सल्लू साइलेंट मूड में हो जाती है और चुपचाप यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है। इधर गाँव वालों को भी पता चल गया था कि हमारा आदमी मारा गया है, जिसके कारण यहाँ के लोग ढूंढने लगते हैं। इधर सल्लू मौके के फायदा उठाती है और इस गांव में घुस जाती है। यहाँ पे आते ही सिस्टर को गन पॉइंट पे ले लेती है। तभी सिस्टर बोलती है कि तुम हमें मार नहीं सकती हो क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इतना कहते ही सल्लू को एक्सिस पैन से मार देती है और सल्लू भी होश हो जाती है। गांव वाले मिलके सल्लू को एक पेटी में बंद कर देता है और इसे जिंदा ही मिट्टी में दफना देता है। यहाँ पे सल्लू सोच रही होती है कि हमें अब मरना पक्का है, लेकिन भाई साहब गांव वाले मिलके इसे दफनाया नहीं था बल्कि शैतान को खाना के रूप में दिया था। और इस मिट्टी के अंदर एक गुफा होता है जिसमें बहुत सारे शैतान होते हैं और सल्लू को खाने के लिए आ रहा हुआ होता है। शैतान सल्लू को खाने वाला ही होता है। तभी शैतान को नजर पड़ता है सल्लू के गालों पर, जो कि उस पर सिस्टर का खून लगा हुआ होता है, जिसके कारण यह शैतान सल्लू को नहीं खाता है। यहाँ पे एक बात तो कन्फर्म है कि सिस्टर के पेट में जो बच्चा पल रहा हुआ होता है जो शैतान का होता है। तभी मौका के फायदा उठाते हुए सल्लू यहाँ से निकल जाती है। इधर सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि एक खून से लगा हुआ कपड़ा को निचोड़ रही होती है, और यहाँ पे वही लड़की आती है जिसे सिस्टर ने थप्पड़ मारी थी। इधर हम सल्लू को देखते हैं जो कि इस गांव में चारों तरफ आग लगा देती है, क्योंकि इसका दोस्त को यही गांव वाले मिलके मारे थे और सल्लू इस गांव वाले लोग से बदला लेना चाह रही थी। इधर हम वही लड़की को देखते हैं जिसे सिस्टर ने थप्पड़ मारी थी, और यह लड़की सिस्टर को मारने लगती है, और फाइनली यह लड़की सिस्टर को एक चाकू से मार देती है। तभी यहाँ पे सल्लू आ जाती है और सिस्टर को मारने वाली लड़की को गोली मार देती है। इधर हम सिस्टर को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और इसे बच्चा पैदा हो जाता है, और यह बच्चा का एक भयानक रूप होता है, और यह भयानक रूप देखने के बाद सिस्टर खुद को ही मार डालती है। इस गांव में चारों तरफ से शैतान आ जाता है इस बच्चे को देखने के लिए, क्योंकि शैतान को इसी पल का इंतजार था। तभी हम सल्लू को देखते हैं जो कि इस बच्चे को अपने गोद में उठा लेती है, और यह सब शैतान सल्लू को इस बच्चे को माँ समझ रहा था, और सल्लू भी अपना डिसीजन को चेंज कर देती है और सोचने लगती है कि मैं अब इस शैतान पे राज करूंगा। इसी तरह से मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है।